नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो ये आंसर की लेके आया हूँ मैं, जो आज हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड का क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है, पोस्ट कोड 763, पोस्ट कोड 763 का, ठीक है। तो ये सी बुकलेट है सीरीज़ की, तो आप अपने हिसाब से अपने अपनी सीरीज़ के क्वेश्चन को मैच करना। ये फर्स्ट पार्ट होगा आंसर की का, सेकेंड पार्ट मैं कल अपलोड करूँगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कश्चम बंगतू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ये इसका सही आंसर नहीं आ रहा दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी होगा, सेकंड का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थ्री, ये एक वर्ड दिया कॉम्प्रोमाइज़, तो ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एस लेटर आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, इनमें से कौन सा भिन्न है? तो इसमें भिन्न है ऑप्शन डी, टीबी, तो टीबी जो है भिन्न है। क्वेश्चन नंबर फाइव, मतलब ये क्वेश्चन नंबर फाइव का सही आंसर होगा सफ़ेद, ठीक है। तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर होगा सफ़ेद, आकाश का रंग क्या होगा? सफ़ेद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर सेवन, तो क्वेश्चन नंबर सेवन का जो है राइट आंसर है सॉल्व करके, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, फोर्टीन्थ, चौदहवीं, ठीक है, चौदहवीं बॉडी पे मिलेंगे तो आपस में दोनों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट का भी राइट आंसर है ऑप्शन बी, फोर्टीन्थ, ठीक है, इसमें चौदहवा सही आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एट का। क्वेश्चन नंबर नाइन, सबसे भारी, तो क्वेश्चन नंबर नाइन, इस नाइन का राइट आंसर ऑप्शन सी, राजू जो सबसे भारी आएगा इनमें। तो ये रीजनिंग के पार्ट है, ये आपको अभी टाइम लगेगा तो मैं समझाऊंगा कि कैसे आए हैं ये। क्वेश्चन नंबर टेंथ की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर टेन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इलेवन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 19 इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, तो हाल ही में पुनर्गठित आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म सभापति कौन है? तो इसमें केंद्रीय गृह मंत्री इसके सभापति होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तेरहवा, महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर हाल ही में छत्रपति संभाजी महाराजा एयरपोर्ट रख दिया गया है? तो ये औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम अभी चेंज करके रख दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, इसका भी सही आंसर नहीं मिला है, पर इसका जो सही आंसर मेरे ख्याल से है ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, पंद्रहवा, ताज़ा QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के किस IIT संस्थान को उच्चतम रैंक प्राप्त हुआ है? तो IIT मुंबई को हाईएस्ट रैंक मिला है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सोलहवा, तो क्वेश्चन नंबर सोलहवें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जादव पेंग, ठीक है। तो भाग्यश भारती को 128वां कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइफ अवार्ड मिला है, तो ये मिला है जादव पेंगे को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी, वह समय सीमा कितनी है जिसके भीतर किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत को लोकपाल का निपटाना पड़ता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 30 दिन के अंदर उसको इस शिकायत को निपटाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो जो हमसफर जो एप्लीकेशन है ये किससे जुड़ी हुई है? ईंधन की होम डिलीवरी, ठीक है। तो हम जो फ्यूल लेते हैं उसकी होम डिलीवरी करने से ये रिलेटेड है। आगे, मुहिदीन यासिन हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो 19वें का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मलेशिया की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने हाल ही में अपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो, तो इसके लिए किस यूनियन टेरिटरी को चुना है? तो इसका ऑप्शन सही होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं, 2020 तक भारत की कितनी भाषाओं को पारंपरिक भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये भारत में अभी जो है 6 लैंग्वेज हैं उनको जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट करते हैं, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन मैं आपको कल के पार्ट में सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62, 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। तो आर्यन शब्द का वैसे अभी इसका सही आंसर पता नहीं है, बट मे बी इसका हो सकता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64, इसका भी अभी कंफर्म नहीं है मुझे, सदानीरा वैसे नाम होता था सरस्वती नदी का एक वैदिक, बाकी आगे देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक गौतम बुद्ध का समकालीन था? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिंबसार। बिंबसार जो था गौतम बुद्ध का समकालीन था। ठीक है, कुनिका इस भी इसमें, पर कुनिका इसमें ऑप्शन में ही, तो बिंबसार इसका सही आंसर होगा। बुद्ध के उपनिदेशों का संग्रह निम्न में से किस में मिलता है? ठीक है, तो ये सुत्पटिका में मिलता है। ठीक है, जो बुद्ध के जो है हमारे सुत्पटिका में उपनिदेश उनके जो है मिल, नहीं, सॉरी, ऑप्शन डी इसमें आंसर होगा। इसका महात्मा बुद्ध के जो है उपदेश है वो बौद्ध की एक बुक है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी फॉर दैट, बट इसमें ऑप्शन डी आंसर होगा 66 का। क्वेश्चन नंबर 67, अशोक का शासन का सिद्धांत तथा धम्म की नीति किस लेख में अंकित है? तो ये जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मेजर रॉक एडिक्ट। ठीक है, तो जो अशोक के जो मेजर रॉक एडिक्ट है उसमें उनके उसकी जो राजनीति और उसके धम्म के बारे में बताया गया है। पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो 68, तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कांची। दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का काम पूर्ण करवाया था? तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया था। ठीक है, तो इसके शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत करी थी, वो बीच में मर गया, उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। क्वेश्चन नंबर 17, निकोलो कोंटी एक प्रवासी किस देश का था? ठीक है, तो निकोलो कोंटी जो था वो इटली का था। तो 17 में का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे, हु रोट द तुझे के बाबरी? तो तुझे के बाबरी किसने लिखी थी? ये बाबर ने खुद लिखी थी। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाबर। बाबर की ये ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। सेरिंगपट्टनम में आज़ादी का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था? तो ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था टीपू सुल्तान ने। 72 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन था, वारेन हेस्टिंग्स। 73 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओरिजिनल नेम ऑफ अ विवेकानंद वास? तो विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो बदरुद्दीन तैयब जी से ये जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे। तो 75 में का सही आंसर ऑप्शन डी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था 1931। ठीक है, तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जवेरी बहने किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो जवेरी बहरे ये मणिपुर से है और ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो 77 का सही आंसर होगा मणिपुरी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 78, लाहो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाहो जो है ये मेघालय का लोक नृत्य है। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघालय। 79, सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? तो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से लेके 1945। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 80वां क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना टेम्परेचर है इसका? 6000 सेल्सियस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 81, सबसे घना ग्रह कौन सा है? तो ठीक है, तो डेंस किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? डेंसेस्ट प्लानट। तो डेंसेस्ट प्लानट है पृथ्वी। 81वें का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो हमारा भारत कौन से गोलार्ध में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है हम। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन सी कंट्रीज आती हैं? ऑस्ट्रेलिया होगी, न्यूजीलैंड होगी, अर्जेंटीना, ठीक है, ब्राज़ील, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में आती हैं। तो यहाँ पे उल्टा चलता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है हमारे यहाँ कौन सा, सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। तो वहाँ पे वो उल्टा होगा, 21 जून जो है भारत में सबसे बड़ा दिन होता है, तो दक्षिण गोलार्ध में वो सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 21 जून का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 83, पृथ्वी का क्रोड किससे बना हुआ है? इजी क्वेश्चन था। 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निकल और आयरन। क्वेश्चन नंबर 84, सिस्मोलॉजी किसके अध्ययन से जुड़ी है? ये भी इजी था, भूकंप से। तो 84 का सही आंसर ऑप्शन सी, कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो 85 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवसादी, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 86, इनमें से कौन सी हरित गैस है? बोला विच वन ऑफ दिस इज ग्रीन हाउस गैस? तो सी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मिथेन होती है, वाटर वेपर होते हैं और ओजोन 3। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होती, पर इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी दिया हुआ है, तो वैसे इसमें से सही आंसर कोई भी नहीं है, बट अगर
सही आंसर करना हो तो ऑप्शन डी इसमें हो सकता है सभी, अगर आपने तुक्का लगाना हो। यस मैम, 86 का वैसे कोई सही आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, पछुआ पवने सामान्यतः किस दिशा में बहती है? ठीक है, तो ये वेस्टरलाइज, ये अभी इसका सही फ्लो मुझे मिला नहीं दोस्तों, तो ऑफिशियल आंसर की मैं देखते हैं, ये सेकंड पार्ट जब बनाऊंगा मैं उसमें इसका आंसर आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा उच्च बादलों में का एक वर्ग वर्गीकृत है? ठीक है, तो हाई क्लाउड्स, तो इसका सही आंसर भी नहीं मिल पाया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89, प्रेरी किस देश के घास हैं? तो ये प्रेरी जो घास के मैदान है ये यूएसए में पाए जाते हैं। 89 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। व्यापार की और वाणिज्य के संदर्भ में सबसे व्यस्त महासागर कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है वो किसमें होता है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, और अगर कभी पूछ ले कि टाइटैनिक कौन से महासागर में डूबा था, तो उसका भी सही आंसर होगा अटलांटिक महासागर। 38 पैरेलल लाइन किन देशों के बीच सीमा बनाती है? तो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोएस्ट प्लेस इन एशियन कंटिनेंट इज, तो एशिया महाद्वीप का सबसे निम्न स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मृत सागर, डेड सी। ठीक है, तो एशिया की सबसे गहरी जगह कौन सी है? डेड सी। नाइगर रिवर कहाँ से निकलती है? तो नाइगर रिवर कहाँ से निकलती है? गिनी से निकलती है, अफ्रीका के गिनी से। तो 93 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यूएस के मैनचेस्टर, ठीक है, यूके के मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूती कपड़ों के लिए। ठीक है, कमेंट्स में आप बताना कि इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है सरमती। ठीक है, तो नागा पहाड़ियों की सही सबसे ऊंची चोटी है ऑप्शन डी, सरमती। हिमालय का सबसे तरुण हिस्सा कौन है? तरुण यानी कि यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। तो 96 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिवालिक। ठीक है, 1000 मीटर से लेकर जो 2000 मीटर तक की जो पहाड़ियाँ हैं उनको यंगेस्ट हिमालय कहा भी जाता है। 97 क्वेश्चन, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को किससे अलग करता है? काफ़ी ईजी था, 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड परियोजना जो है ये महानदी पर निर्मित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट हैव इंडिया? तो भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु है ट्रॉपिकल मानसूनल। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। चलते हैं नेक्स्ट 100 क्वेश्चन की तरफ। नूनमती तेल प्रयोजन, तेल रिफाइनरी जो है भारत के किस राज्य में है? तो नूनमती जो है ये जो है ऑयल रिफाइनरी जो है ये असम में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सोमे का। 101, भारत की सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी? तो ये थी डेक्कन क्वीन। तो 101 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डेक्कन क्वीन। संविधान सभा द्वारा गठित नियम प्रक्रिया सभा समिति के सभापति कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये जो थे रूल प्रोसीडिंग कमेटी के ये तो अध्यक्ष थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविधान के अमुक में स्वतंत्रता समानता और भाईचारा का आदर्श किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस से। तो 103 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय संविधान का कौन सा भाग यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो ये भाग 14, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो भाग 14 से में जो है यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड बनाने का ये जो है प्रावधान दिया गया है, आर्टिकल 315 से 322 के बीच में ये दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में जल्दी लेके आता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगे तो, और शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने क्लर्क का एग्ज़ाम दिया है। और जल्द ही मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जितने भी ओल्ड पेपर हैं क्लर्क और जेओ से रिलेटेड या जीके के पोर्शन जो भी होगा वो मैं आपके लिए अपलोड करूँगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो चैनल मेरा नया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिमाचल।